ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 4033, क्लेरिफाइड ऑन 11th जुलाई 2022। आज क्या रात्रि क्लास है? 20/9/1966। टुडेज नाइट क्लास इज ऑफ द 29/1966। मीठी मीठी बच्चों को यहाँ मधुबन में रहने से ये भासना रहती है कि हम बाप दादा के घर में आए हैं या रहे हुए हैं। द स्वीट चिल्ड्रन हैव दिस फीलिंग बाय स्टेइंग इन द मधुबन। वी हैव कम और आर स्टेइंग इन बाप दादाज होम। और बच्चों को बाप से विश्व के मालिक बनने का वरदान मिल रहा है। And the children are receiving the inheritance of becoming the masters of the world from the father. सुनते रहने से ही भाषण आती है। You have this feeling just by listening to it continuously. कि बाप ही हमको आकर के पढ़ाए रहे। That the father himself has come and is teaching us. अपने घर में जाते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं। When you go to your home, you forget him a little. यहाँ आते हैं साकार के पास, ये भी जानते हैं हम ज्ञान सागर पतित पावन बाप के पास जाते हैं। When you come here to the corporeal one, you also know that you go to the ocean of knowledge, the purifier of the sinful, the father. वैसे इतनी भाषणा नहीं आवेगी कि कैसे बाप आकर पढ़ाते। In that way, you won't have the feeling about how the father comes and teaches. अब यहाँ तो बाहर का हंगामा या कोई बाहर का वायुमंडल आदि है ही नहीं। Now, there is no commotion or atmosphere of the outside world here at all. यहाँ तुमको संगम युग की पूरी पूरी भाषणा आती है। Here you have the sheer feeling of the confluence age. मगर वहाँ नहीं होती। But you don't have it there. क्योंकि घर में तो कोई न कोई गोर का धंधा होता है। It is because at home there is some or the other worldly business. यहाँ रिफ्रेश है। Here you stay refreshed. अब तुमको काम होना चाहिए, ज्ञान की धारणा करना और औरों को जाकर सुनाना। Now your job should be to imbibe the knowledge and to go and narrate it to others. भक्त भगवान को याद करते जाते हैं। Devotees keep remembering God. और कहते हैं बाबा आप जब भी आवेंगे तो हम फिर से सुख घनेरे लेंगे। And say, Baba, whenever you come, we will take abundant happiness again. अब तुम जानते हो, तुम्हारे वो ही भगवान आए हैं। Now you know that very God of yours has come. तो सुख घनेरे का पुरुषार्थ करना चाहिए ना? So you should make the purusharth of taking abundant happiness, shouldn't you? बाप बाकी अब समझाते हैं। As for the rest, now the father explains. कि तुम बाबा से कहो हमें ये सीढ़ी का चित्र दो। Ask Baba to give you this picture of the ladder. तो हम इसको घर में रखेंगे। So that you keep it in your house. और अंधों को रास्ता दिखा देंगे। And show the path to the blind. सीढ़ी का चित्र बाबा छपवा भी लेंगे, फिर एक एक बच्चे को घर में टांगने के लिए देंगे। बाबा विल हैव द पिक्चर ऑफ द लैडर प्रिंटेड एंड गिव इट टू एवरी चाइल्ड टू हैंग इट इन देयर हाउस। बाप पूछते हैं। द फादर आस्क्स। गांवों के बच्चों क्यों समझते हो? बाप कहते हैं भाई को तो भाई से वर्षा मिल ही नहीं सकता है। The children of the village, do you understand? The father says, a brother just can't receive the inheritance from another brother.
रावण आधा कल्प तक दुख ही दुख देती रहते हैं। रावण कीप्स गिविंग सोरो एंड ओनली सोरो फॉर हाफ अ साइकिल। अब मैं कहता हूँ मेरा बनने से तुम विश्व के मालिक बनते हो। नाउ आई से यू बिकम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय बिलोंगिंग टू मी। तुम पहले विश्व के मालिक थे। यू वर द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड अर्लियर। अब बाप फिर लेने आया है तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए। नाउ द फादर हैज कम टू टेक यू बैक टू गिव यू द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड। तो अब तुमको विश्व की सारी बादशाही लेने के लिए पत्थर से पारस बुद्धि बनना पड़े। सो नाउ इन ऑर्डर टू टेक द एंटायर एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू बिकम द वन विद द पारस लाइक इंटेलेक्ट फ्रॉम बीइंग द वन विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। इसमें गफलत या सुस्ती वगैरह नहीं करनी है। You shouldn't be careless or lazy etc. in this. रावण राज्य में तो है ही दुख। In the kingdom of Ravan, there is only sorrow. अब दुख और सुख का भी खेल है। Now, this is the play of happiness and sorrow. अब पुरुषार्थ ऐसा करो जो स्वर्ग में तुम तख्त में सीन बन सको। Now, make such purushartha that you become entitled to the throne in heaven. अब रावण से पहले तो बाप से वर्षा मिलता है। Now, from Ravan, first you certainly receive the inheritance from the father. कोई तुम सदा से ही दुख में तो नहीं थी। You weren't in sorrow forever. मगर अब तो तुम दुख में रह पड़े हो। But now you are living in sorrow. राम कोई दुख नहीं देते हैं। Ram doesn't give any kind of sorrow. अब उन सब बातों में तुमको जाना नहीं है। Now you shouldn't become involved in all those things. तुमको पढ़ाने के बाद ही मैं मुक्ति धाम जाए करे विश्राम करता हूँ। I go and rest in the abode of liberation only after teaching you. सबसे बड़ा दुश्मन तो ये रावण ही है। This Ravan himself is the bitterest enemy. बाबा कहते हैं तुमको तो मुक्ति धाम में जाना है। Baba says you have to go to the abode of liberation. अब ऊंचे ते ऊंचे बाप आकर ऊंची पढ़ाई पढ़ाते। Now the highest of the high father comes and teaches the elevated knowledge. फिर ऐसे न हो कि त्रेता में चले जाओ। Then it shouldn't be the case that you go to the silver age. बाबा फिर भी कहते हैं। Still Baba says. बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो। Children, do you study the knowledge? बच्चों को ज्ञान का मंथन तो बहुत करना चाहिए। The children should churn the knowledge a lot. बाबा को कहना चाहिए, बाबा हमको ये चित्र दो तो हम घर में रखेंगे। They should tell Baba, Baba, give us this picture so that we keep it in our house. यहाँ चित्र तो बहुत रखे हैं। और बाबा बच्चों के लिए बनाते ही रहते हैं। There are many pictures here and Baba keeps making them for the children. यहाँ सब कुछ बच्चों के लिए ही है। Here everything is for the children themselves. बाप को बच्चों को बहुत फिकर रहता है। The father stays very concerned for the children. बड़ा कहाँ होना, बड़ा दुख पाऊना। The bigger someone is said to be, the more sorrow they receive. छोटे का दुख दूर है। Those who are small don't suffer sorrow. बाप का तो सब कुछ बच्चों के लिए ही होता है। Everything that belongs to the father is for the children themselves. बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाए खुद परम धाम में चला जाता हूँ।
The father says, "Children, I myself go to the supreme abode after making you the masters of the world." तो अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो. So consider yourselves as a soul and remember the father. आत्मा भी समय पत्थर बुद्धि है. The soul has a stone-like intellect at the present time. वो भी अपतित है और फिर उसको ही सबसे पहले वहां राज्य करना. It is also sinful now, and later it is the soul that has to rule there first of all. अब तुम बच्चे गफलत मत करो. Now you children shouldn't be careless. वहां तो कोई भी रोता नहीं है. No one cries there. बाप बच्चे बच्चे करते रहते हैं और कहते हैं बच्चों तुम 63 जन्म तक विकारों में गिरते रहे हो. The father keeps calling you children, children, and says, children, you have been falling in vices for 63 births. अब मैं आकर खुद कहता हूँ कि अब सिर्फ एक जन्म तो पावन बनो. Now I myself come and say, now become pure for at least one birth. फिर भी मानते नहीं हो. Still you don't listen to me. सब अपने धर्म कर्म में गिर पड़े हैं. Everyone has fallen in religion as well as action. और सभी अपने धर्म को जानते तो हैं. And everyone does know their religion. सिर्फ भारतवासी हैं सबसे अधिक भ्रष्ट बने हैं. It is the Bharatvasis themselves who have become the most corrupt. तुम अब बाप के पूरे पूरे बने हो. Now you have completely belonged to the father. तो बाप से पूरा वर्षा भी लेना चाहिए ना. So you should also take the complete inheritance from the father, shouldn't you? विश्व का मालिक बनना चाहिए ना. You should become the masters of the world, shouldn't you? तुमको बाबा बार बार ही समझाते हैं. बाबा explains to you again and again. कि वापस घर जाना है और पुरुषार्थ पूरा करो. You have to go back to your home. Complete your purushartha. मगर फिर भी भूल जाते हैं. Still you forget. लोग कहते हैं कि भगाया है. People say he has made people run away from their homes. अब बाप भगाते तो नहीं है, पढ़ाते हैं. Well, the father certainly doesn't make anyone run away from their homes. He just teaches the knowledge. बाप कहते हैं कर्म करते बाप को याद करो. The father says, remember the father while performing actions. बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होते थे स्वर्ग के सुखों के. The children also used to have a lot of visions of the joys of heaven. अब फिर तुमको लास्ट में भी सब साक्षात्कार होंगे. Now you will have the visions of everything in the end too. कि हम क्या पद पावेंगे. सो बच्चों को याद का बहुत पुरुषार्थ तेज करना है. As to what position you will attain. So the children have to make very intense purusharth of remembrance. तो ही वहां गद्दी नशीन बनेंगे. It is then that you will become entitled to the throne there. अच्छा ओम शांति. अच्छा ओम शांति. अगला रात की क्लास है. दूसरे पेज से है, पहला पेज नहीं. द नेक्स्ट मुरली इज अ नाइट क्लास. इट बिगिंस विद द सेकंड पेज. द फर्स्ट पेज इज मिसिंग. 2166. इट इज डेटेड 21/9/66. मेला जब लगता है तो मनुष्य मेले में जाते हैं खरीदारी आदि करने. When a fair is organized, people go there to buy things etc. दुकान बहुत निकल जाते हैं.
मेनी शॉप्स आर पुट अप। अब मेला बहुत ही अच्छा गाया हुआ है। नाउ फेयर्स आर प्रेज्ड अ लॉट। ये फिर है आत्मा और परमात्मा का मेला। देन दिस इज द फेयर ऑफ द सोल्स एंड द सुप्रीम सोल। एक बाप की दुकान जहाँ से बच्चों को बड़ा सस्ता सौदा मिलता है। इट इज द शॉप ऑफ द वन फादर वेयर द चिल्ड्रन गेट अ वेरी गुड डील। इस समय हर एक चीज की महंगाई है। एट द प्रेजेंट टाइम एवरीथिंग इज कॉस्टली। इस समय बाप एक ही दुकान निकालते हैं। द फादर पुट्स अप ओनली वन शॉप एट द प्रेजेंट टाइम। किस प्रकार की हट्टी है? What kind of a shop is it? कौन सा सौदा है? What is the deal? अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। He fills the bag with the imperishable gems of knowledge. बाबा ने कल ही बताया था। बाबा said just yesterday. कि इसे पढ़ाई की कोई चार्ज नहीं लगती है। You aren't charged any fees in this study. सिर्फ बच्चों याद है पढ़ाई। Children, just remembrance and knowledge. पढ़ाई इतनी सस्ती है। The knowledge is very inexpensive. हर एक चीज यहाँ बहुत सस्ती है। Everything here is very inexpensive. तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। You become like a diamond. From being like a कौड़ी। ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण हीरे जैसे बनते हैं सिर्फ। It isn't that only लक्ष्मी नारायण become like diamonds। तुम बच्चे भी बनते हो। You children also become that। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी बहुत सुखी रहती है। As the king and queen, so the subjects also stay very happy। सिर्फ थोड़ा फर्क रहता है। There is just a little bit of difference. इसलिए बाप को भोलानाथ शंकर को नहीं कहते हैं, बाप को कहते हैं। This is why the father, Shankar isn't called भोलानाथ, the father is called that. शंकर तो विनाश कर देते हैं। Well, Shankar brings about the destruction. अब बोला कोई ग्राहक आता है तो बहुत खटाते हैं। When an innocent customer arrives at the shop, they make a lot of profit. सबसे भोले होते हैं अमेरिकन लोग। The most innocent people are the Americans. दुकान पर जब In a shop, when वो कहते हैं गंड का गुड़ा मत का मूढ़ा। दे से गंड का गुड़ा मत का मूढ़ा। इट मीन्स समवन हु इज वेरी रिच बट फुलिश। ऐसा ग्राहक बनन। गिव अस सच अ कस्टमर। बताओ ये गऊ का गुंडा मत का मुंडा होने इनको भोला नाथ कहा जाता है। ही इज गौ का गुंडा मत का मुंडा सो ही इज कॉल्ड भोला नाथ। तुम ऐसे को याद करते हो। सो यू रिमेम्बर हिम अलोन। तुम जानते हो बाप सेवा का सस्ता सौदा बताते। यू नो The father strikes a good deal of service. अभी तो वो है ही नहीं। Now that just isn't the case. इसलिए ही इसको कहा जाता है सौदागर। This is why he is called a merchant. जादूगर रत्नागर। A magician, a jeweler. तुमको क्या वर्षा देते हैं? What inheritance does he give you? Beggar to prince. He makes you beggar to prince. इस समय भारत बेगर है।
भारत इज अ बेगर एट द प्रेजेंट टाइम. फिर कल प्रिंस बनेगा, देन टुमारो ही विल बिकम अ प्रिंस. तो तुम कितने बच्चों को खुशी होनी चाहिए. सो यू चिल्ड्रन शुड बी वेरी हैप्पी. बाप सुख घने भी दे रहे हैं. द फादर इज गिविंग अबंडेंट हैप्पीनेस. तुम जानते हो ना, ये ब्रह्मा शिव बाबा की बन्नी है. यू डू नो डोंट यू, दिस ब्रह्मा इज द स्पाउस ऑफ शिव बाबा. इन द्वारा तुमको गोद में लेते हैं. ही टेक्स यू ऑन द लैप, दैट इज अडॉप्ट्स यू थ्रू देम. गोद में आए फिर वो कहते हैं मेरी मत पर चलो. When you go on his lap, he says, follow my directions. श्री श्री 1008, ये मेरा नाम है. श्री श्री 1008, this is my name. बाप का नाम वो अपने ऊपर रखाए बैठे. They have given themselves the name of the father. वो तो बड़े ही ठग हैं. They are big cheats. बाप श्री श्री तुम बच्चों को कहते. द फादर कॉल्स यू चिल्ड्रन श्री श्री. तुम भी जानते हो अम्बेद बाप के सामने आए. यू टू नो वी हैव कम इन फ्रंट ऑफ द अनलिमिटेड फादर. बाबा सागर है और हम बादल हैं. बाबा इज द ओशन एंड वी आर क्लाउड्स. कितने बच्चे हैं बताओ. Tell me, how many children are there? कितने बच्चों को गोद में लेते हैं, बरसा देते हैं? He takes so many children on the lap. Does he give them the inheritance? सारी दुनिया जो भी है. Everything in the entire world. 84 लाख योनी है. There are 84 lakh species. जानवरों आदि सबको देते हैं. He gives it to animals etc. and all living creatures. 21/9/1966 की रात्रि क्लास का पेज नंबर 3. Night class dated 21/9/1966, page number 3. भाई ये जानवरों आदि की कपर चट्टी ऐसी कुछ नहीं होती है. There isn't any dirt etc. of animals there. वहाँ सब दुख देने वाले. खलास. यहाँ तो वहाँ तो देखने से ही दिल खुश हो जाए. All the sorrow-giving animals are destroyed. There you will be pleased just by looking at them. बच्चियाँ साक्षात्कार में देखकर आती थी. Daughters used to see them in visions. समझ भी सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. नए खेत हैं. देर आर न्यू फील्ड्स देर. तुम विश्व के मालिक बनते हो. यू बिकम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ हर चीज फर्स्ट क्लास होती है. एवरीथिंग देर इज फर्स्ट क्लास. अनाज भी बहुत अच्छा. देर ग्रेन्स आर ऑल्सो एक्सेलेंट. अब तो ऐसे बाप के बने हो. नाउ यू हैव बिलोंग्ड टू सच अ फादर. ऐसे बाप से भी झगड़ा करते हैं. वेल दे फाइट विद इवन सच अ फादर. आश्चर्यवत फारखती दे करके भाग जाते हैं. एस्टोनिशिंगली दे गिव फारखती एंड रन अवे. सतयुग में In the golden age, आवेगा कुछ न कुछ लेवेगा ना, फारकती होगी. They will come and they will certainly take something, won't they? Then they give फारकती. ये तो यहाँ सब कुछ गंदी बातें हैं. Here everything is dirty. तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने तो बहुत कुछ ले लिया. सो यू शुड बी हैप्पी एज यू हैव टेकन अ लॉट फ्रॉम हिम. जिसकी गोद हम मांगते थे.
मात पिता की। देखो आत्मा उन मात पिता को कितना याद करती है। The one whose lap we wanted, the mother and the father, look how much the soul remembers those mother and father. कितनी याद रहती है। How much it remembers them. फिर ये पारलौकिक बाप मिला है। Then you have found the parlokic father. दोनों में ये तोड़ निभाना है। You have to maintain your relationships on both sides. लौकिक माँ बाप से भी तोड़ निभाओ। Maintain your relationship with your लौकिक mother and father too. गांव आदि में है तो बच्चों का फर्ज है बाप को कुछ देना है और संभाल करना है। If you live in a village, it is a duty of the children to provide the father something and take care of him. तोड़ निभाना है ना? You have to maintain the relationship, don't you? है? बाप मुख से पढ़ाई देते हैं। The father gives knowledge through the mouth. तुम जानते हो? You know that. तुम जानते हो कि अभी बाप मुख से पढ़ा रहे हैं। You know that the father is teaching us through the mouth now. बाबा से वर्षा तो उनकी श्रीमत पर है, मिलता है। You receive the inheritance from Baba through his श्रीमत. अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और पवित्र बनो। तुम दुनिया का मालिक बन जाएंगे। Now the father says, remember me alone and become pure. Then you will become the masters of the world. बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। The father says, I will make you the masters of heaven. ऐसा कौन मूर्ख होगा जो बाप से वर्षा नहीं लेगा? Will anyone be foolish enough to not take the inheritance from the father? माया तो दुश्मन है। Maya is certainly the enemy. बॉक्सिंग होती है ना? There is boxing, isn't there? तो तुम्हारी माया से पूरी बॉक्सिंग है। You have a full-on boxing with Maya. बॉक्सिंग में कोई फेल हो जाते हैं। Some lose in boxing. घर में रहते पवित्र नहीं रह सकते हैं। They can't stay pure while living at their home. तुमको तो शक्ति मिलती है शिव बाबा से। Well, you receive power from Shiv Baba. हाँ, योगी, ब्रह्म योगी। Yes, there are yogi, ब्रह्म योगी। परंतु वो तो सर्वशक्तिवान हैं ही नहीं। But they certainly aren't the Almighty. तत्व अथवा ब्रह्म तो रहने की जगह है। The element or Brahma is the place to reside. अब बच्चियां ये भूल तो बताती है। Now daughters do tell their mistakes. तो तुम अच्छी होशियार हो जाओ। So become good and wise. सन्यासियों को कहो कि तुम्हारा है हठ योग और हमारा तो है राजयोग। Tell the sannyasis, yours is hat yoga and ours is in fact rajyoga. तुम राजयोग सिखा ही नहीं सकते हो। You can't teach rajyoga. उनको बता दो तुम नहीं सिखा सकते हो, तुमको हक ही नहीं है सिखाने का। Tell them you can't teach it. You don't have the right to teach it at all. ये तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का शास्त्र है। That is in fact the scripture of the householders. मगर आजकल adulteration बहुत है। But there is a lot of adulteration nowadays. सरकारी भ्रष्टाचारी है। The very government is corrupt. वो फिर कहती है कि भ्रष्टाचार बंद कैसे होगा? It tells the public how corruption will come to an end.
साधु लोग से भी जास्ती भ्रष्टाचारी है। दे आर मोर करप्ट देन द सेजेस। तो बाप इन सब बातों का राज बताते। सो द फादर टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। गुरु कहेंगे गंगा में चलो। द गुरु विल से गो टू द गैंजेस। तो कहो वो कैसे पावन बना सकती है। आस्क हिम हाउ विल इट प्यूरिफाई अस। पावन तो है भी एक ही परम पिता परमात्मा। ओनली द वन सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज प्योर। वो फिर नदी कैसे पावन बनाएगी। देन हाउ विल दैट रिवर प्यूरिफाई अस। तुम्हारी तो है ज्ञान की बातें। योर्स आर द टॉपिक्स ऑफ नॉलेज। तुम कहो भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो तो दुर्विकर विनाश होंगे और जीवन मुक्ति का वर्षा पावेंगे। Tell them, God says, if you remember me, your vikram will be destroyed and you will receive the inheritance of liberation in life. तुम बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। You children should be very happy. फिर ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। मगर माया है उनकी तरफदारी करती है। Then you shouldn't speak such words, but Maya pulls you towards her. माया एकदम मेहतर बनाई दी। She makes you into a complete sweeper. मूत पलीती बनाए ले जाती। She dirties you with the urine of lust and takes you along. ये भीरनिया हैं। They are tribes women. इनके बेर खाए हैं। He has eaten their berries. इस समय की बात है। It is about the present time. बाप आकर खाते हैं भी। The father comes and eats it. जिसने प्रवेश किया है ये भी खाते हैं ना। The one he enters also eats it, doesn't he? अभी तो ये साफ बन रही है। Now they are becoming pure. ये दुनिया इस समय देखने में भला अच्छी लगती है, मगर है कुछ भी नहीं। Though this world seems good at present, it isn't like that at all. आत्मा भी काली बन गई है। The soul has also become dark. कोई काम की नहीं रही। It is of no use. ऐसी तू को बाप कितना बल देते। The father gives you so much of power. दूर देश का रहने वाला एक मुसाफिर कमाल करते। A traveler from a distant land does miracles. एक मुसाफिर को कितना याद करते। You remember the one traveler so much. तुम भी मुसाफिर हो ना। You are also a traveler, aren't you? दुआ करके पार्ट बजाती हो। You come and play your part. बाप कहते हैं कदम कदम श्रीमत लेते रहो। The father says, keep taking श्रीमत at every step. सौदा शिव बाबा से है। Your deal is with शिव बाबा। वो कब पैसे लेंगे क्या? Will he ever take money from you? तो तुम देते शिव बाबा को। You give it to शिव बाबा। वो कोई फकीर नहीं है। He is no beggar. शाहों का शाह बनाते हैं। He makes you the king of kings. तुम कहते हो बाबा आप इतना ये सर्विस करते रहते हो। You say, Baba, you keep doing so much of service. अब खर्चा तो होगा ना। There will be some expenditure, won't there? परंतु वो पैसे लेने वाला तो नहीं है। But he isn't the one who takes money.
वो गुरु लोग तो पैसे लेकर कितनी जागीर आदि बनाते हैं। Those gurus take money and make a lot of properties, etc. तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ बाप तो पाई लेते हैं। It is present in your intellect. Here, the father takes a pie. तो ये क्या देना हुआ? Is it equal to giving anything at all? क्या ईश्वर फकीर है जो देते हो? Is God a beggar that you give it to him? वो तो दाता है, In fact, he is the giver. तुमको विश्व का राज्य देते हैं। He gives you the kingdom of the world. अब ये नहीं समझना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। Well, you shouldn't think that you give something to Shiv Baba. हम शिव बाबा से लेते हैं। We take from Shiv Baba. किसी को वहां जागीर नहीं देनी होगी, तो लेंगे ही नहीं। If someone doesn't have to be given a property there, he won't take it here at all. पिछाड़ी में आकर के बहुत ऐसे कहेंगे, Many will come and say that in the end. बाबा कहेंगे बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। Baba says the children should be very happy. याद के बल से तुम इस समय विश्व के मालिक बनते हो। Through the power of remembrance, you become the masters of the world at present. तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। You can become the masters of the world. बाहुबल से तो कोई बना ही नहीं सके। No one was able to make anyone that through the physical power. बाप योग बल से बनाते हैं The father makes you that through the power of yoga. और योग बल है। And it is the power of yoga. देहधारी की याद की कोई बात ही नहीं है। There is no question of the remembrance of a bodily being at all. अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट टू द चिल्ड्रन. ओम शांति.